आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो सकते और कांग्रेस मनमोहन सिंह के बयान का देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है वाले बयान पर माफी मांगे। बयान को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन जो मैनिफेस्टो में लिख कर दिया जाता है वो झुठलाया नहीं जा सकता। मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं, सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है। ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला में जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि पूरा बयान सुनवा दिया गया, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है। इस समय मध्य प्रदेश में भी 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है और जो 102 है उसमें 65 से ज्यादा पे लीड है महागठबंधन की, सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, इसीलिए ये परेशान है और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर 29 सीटों की बात करते हो तो प्रधानमंत्री जी की तो एक मध्य प्रदेश में कहीं बड़ी सभा होनी थी, इसके अलावा जरूरत नहीं थी, पर ये जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, इसका मतलब हताशा की स्थिति है और इन्होंने हार मान ली है। जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसको लेकर भी सीएम कह रहे हैं किसानी में लोग लगे। हाँ, शादी ब्याह का सीजन नहीं है, ये जनता ने इनसे तलाक ले लिया है इसलिए आए नहीं है वोट डालने, और ये कम परसेंटेज इस बात का प्रतीक है कि इन सब सीटों पर कांग्रेस की जीत हो रही है, ये असल मुद्दा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मंच से ये बयान, जिसका कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कि संसाधनों पर देश के पहला हक मुसलमानों का है, अब ये बयान जो है भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करे और कांग्रेस पार्टी से ये मांग है कि वो माफी मांगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ बीजेपी इस बयान को लेकर कांग्रेस से माफी मांगे जाने की मांग कर रही है, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, दूसरी तरफ पीसी शर्मा कह रहे हैं कि पूरा बयान सुनवा दिया है, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए बयान भले ही पुराना हो लेकिन उसमें सियासत जो है वो एक नए सिरे से शुरू हो गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया कि जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था अपने बयानों में कि जो संसाधन है उन पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, और यही कारण है कि उस पर अब बीजेपी के तमाम जो नेता है वो हमलावर हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस को इस बयान से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और ये कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस नेता दाएं बाएं की बात कर रहे हो लेकिन असल बात तो ये है कि जब मैनिफेस्टो में आपने लिख दिया उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, और जनता जो है वो इस सारी चीजों को समझ रही है, आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर उसके उलट में कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो साफ तौर पर इस पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बयान बहुत पुराना है, उसको लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, उसके बावजूद भी लगातार उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और कहा है कि कल पीसीसी चीफ खुद एक सभा में उस पूरे बयान को जनता के सामने सुनवा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए हताश और निराश बीजेपी जो है वो अब इस तरह के प्रोपेगेंडा रचने का काम कर रही है, वो कांग्रेस को जबरदस्ती घेरने का प्रयास कर रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे जो है महंगाई है, बेरोजगारी, उन पर बीजेपी बात नहीं कर रही है, बल्कि अब जो पुराने बयान हैं
उनको जो है एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में हवा दी जा रही है ताकि वोटरों का पोलराइजेशन किया जा सके। हालांकि जनता सब समझती है, जनता सब जानती है कि आखिर किसके क्या वादे हैं, किसके क्या दावे हैं। और देखिए सबकी सरकारें देखिए, चाहे मनमोहन सरकार का 10 साल का कार्यकाल भी लोगों ने देखा, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी देख रहे हैं, और जिस तरीके से मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री के द्वारा मंच से जब से इस बयान को लेकर बात कही गई है तब से ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया। बहरहाल देखना होगा क्या ये आगे और इस चुनाव में मुद्दा गर्माया रहेगा या फिर इसी तरह से इस पूरे मामले पर बातचीत कर आगे बढ़ जाएंगी दोनों ही पार्टियां। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और सतना से अगली खबर, जहां सतना में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रागिंद्र बागड़ी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रेगांव से कांग्रेस विधायक के प्रत्याशी थे, दरअसल चुनाव लड़ने के लिए टिकट लिया था, और आज ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं रागेंद्र। और रागेंद्र बागड़ी के इस्तीफे की चर्चा अब चारों तरफ है। रेगांव से कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी भी वो रह चुके हैं और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं जेपी नड्डा की मौजूदगी में। और टीकमगढ़ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान, जहां कांग्रेस के 6 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी, अरविंद खटीक कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि यहां लगातार इस लिस्ट में नेताओं के नाम जुड़ते ही जा रहे हैं, समर्थकों के नाम और जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का ये जो फहरिस्त है लंबी होती जा रही है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है, अरविंद खटीक कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें टीकमगढ़ से। और खबर इंदौर से, जहां इस वक्त की बड़ी खबर यह जग्गू भगवानपुरिया के 3 शूटर्स की गिरफ्तारी को लेकर है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी जग्गू भगवानपुरिया, दरअसल अमृतसर के शुभम गैंग के 3 शूटर जो गिरफ्तार हुए बताए जा रहे हैं। शुभम गैंग का मास्टरमाइंड जग्गू भगवानपुरिया जेल से गैंग को ऑपरेट करता है और अमृतसर गैंगवार का बड़वानी कनेक्शन सामने आया। दरअसल अमृतसर से हथियार खरीदने के लिए ये सभी मध्य प्रदेश आए हुए थे और गैंगवार के लिए हथियार लेने के लिए आए थे ये बदमाश, और गिरफ्तार शूटर्स के पास से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर पंजाब में कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। दरअसल तीनों बदमाश हत्या के केस में फरार चल रहे थे और क्राइम ब्रांच इंदौर पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच बदमाशों से पूछताछ कर रही है और कुछ और साथी इनके गिरफ्तार हो सकते हैं इस पूरे मामले में, यदि वो निशानदेही पुलिस को मिलती है। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अवैध फायर आर्म्स लेकर घूमते हैं और उसके अलावा जो सप्लाई करते हैं, जो डील करते हैं और जो बेचते हैं, इन सब पर कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई जो परदेसीपुरा में की गई, जिसमें कि एक पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था पिस्टल के साथ और एक चाकू के साथ। कल रात में उस सिकलीकर को, जो गुरुभूषण सिकलीकर है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। उसके कब्जे से 312 बोर के 2 कट्टे मिले हुए हैं और एक जिंदा कारतूस मिला है। तो उनके खिलाफ भी थाना क्राइम ब्रांच में आर्मशीट के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के केस में। पंजाब से मध्य प्रदेश तक का सफर तय किया इन आरोपियों ने, जो हथियार लेने आए हुए थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अभी पुलिस ने जो 3 शूटर्स गिरफ्तार किए गए, इनका इरादा क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 3 साफ शूटर पकड़ाए हैं, ये शुभम गैंग के हैं और शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो जग्गू भगवानपुरिया है। और ये जग्गू भगवानपुरिया फिलहाल इस वक्त भटिंडा जेल में बंद है। अपराध उस पर कई सारे दर्ज हैं, बड़ा गैंगस्टर है और वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है। और उसके जो 3 शॉप शूटर इंदौर में पकड़ाए हैं, ये 2 दिनों बाद, लगभग 2 से 3 दिन बाद, अमृतसर में एक बड़ा गैंगवार की घटना को अंजाम देने वाले थे। ये सिमरन गैंग का सफाया करने के लिए बड़वानी जिले से अवैध हथियार खरीदने आए थे। बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, ये बड़ा सिकलीगढ़ का अड्डा, यहाँ पर अवैध जो हथियार हैं सबसे ज्यादा यहाँ से बेचे जाते हैं।
पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमाम इन राज्यों के जो बड़े शूटर हैं वो यहाँ से अवैध पिस्टल, अवैध देसी कट्टा खरीद के लेकर जाते हैं, और ये तीन साफ शूटर भी यहाँ पर अवैध हथियार खरीदने आए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे पूछताछ में अभी तक बात सामने आई है कि ये यहाँ से जाने के बाद सिमरन गैंग पर हमला करने वाले थे। सिमरन गैंग और शुभम गैंग, इन दोनों गैंग के बीच में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। वर्चस्व को लेकर ये गैंग कई बार आमने सामने हो चुकी है। जग्गू भगवानपुरिया से इशारा मिल चुका था, जो शुभम गैंग का मास्टरमाइंड है, क्या इस बार शुभम गैंग का सफाया करना है, सिमरन गैंग का सफाया करना है। फिलहाल अब ये तीनों जो हैं इनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, इनके साथ और अपराधियों के मन में ही रह गए और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अब उन जगहों पर भी दबिश देने की आवश्यकता है मिथिलेश, जहां पर ये हथियार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश की छवि खराब हो सकती है। और ऐसे में अब जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई, उम्मीद है कि और लोगों की गिरफ्तारी होगी और इस तरह के मामलों में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ग्वालियर में बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में अब कार्रवाई की गई है और दो आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर से मारपीट का एक मामला सामने आया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस पूरे मामले में मारपीट करने वाले दो आरोपी भाई गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी शैलेंद्र तोमर, आशु तोमर गिरफ्तार किए गए हैं। महाराजपुरा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार रात बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई थी। उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल को गंदा करने का एक मामला सामने आया। दरअसल इसमें गंदे लाने का पानी आकर मिल रहा है। पिछले 12 घंटे से नदी में आ रहा गंदा नाले का पानी, कांग्रेस प्रत्याशी ने इसमें धरना देकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल शिप्रा जी में डुबकी लगाकर उसने इस पूरे मामले पर शिकायत की है। पिछले 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 10 साल से देश में सरकार है। यहाँ से माननीय सांसद जी इनके, माननीय विधायक इनके, माननीय महापौर इनके, पार्षद इनके, और माननीय सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे थे। बड़ी उम्मीद थी कि कुछ उज्जैन में परिवर्तन होगा और माँ छिपरा माँ शुद्ध होगी। आप सब लोग जागिए, लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, महेश परमार की लड़ाई नहीं है, हम सबके गौरव और सम्मान की लड़ाई है और माँ छिपरा माँ के अस्तित्व की लड़ाई है। आप सब लोग बाहर आइए। जय श्री महाकाल, जय छिपरा मैया। उज्जैन की शिप्रा नदी जो है मोक्षदायिनी कहा जाती है, लेकिन एक बार फिर शिप्रा नदी में गंदे नाले मिलने से आप देख सकते हैं कि ये सीवरेज लाइन जो है यहाँ से गुजरी हुई है, जो फट गई है, जिसके कारण घाटों पर जो है गंदा पानी का अंबार लगा हुआ है और लगातार जो गंदा पानी निकल रहा है वो शिप्रा में मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी है महेश परमार, वो गंदे पानी में बैठ कर कड़ा आक्रोश जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पानी जो शिप्रा में नहीं मिलना चाहिए था, जिसको लेकर साधु संत जो है आंदोलन कर रहे हैं, और जो सरकार बार बार कह रही है कि शिप्रा को शुद्धिकरण करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शिप्रा में एक बार फिर जो है गंदे नाले मिले हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है महेश परमार इस वक्त गंदे नाले में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो इस पानी में बैठकर वो अपना आक्रोश जता रहे हैं और वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आखिर कब जो है माँ शिप्रा को मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ शिप्रा जो है यहाँ जो स्नान करने आते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका यहाँ पे अस्थि कलश जो ठंडे किए जाते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन माँ शिप्रा खुद मोक्ष की इंतजार में बैठी है और आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो माँ शिप्रा को मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा और कब आखिरकार गंदे नालों से माँ शिप्रा को जो है जो गंदगियों से दूरी मिलेगी। उज्जैन से झपट वाली जटिन मध्य प्रदेश। और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका, देश प्रदेश और दुनिया की खबरें देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार इनाम, और इसके लिए आपको हमारे पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का बस जवाब देना है। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चलिए अब आपका आज का सवाल आपको बता देते हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उस तस्वीर को आपको पहचान करके उनका नाम बताना है। ये है वो तस्वीर,
अगर आप तस्वीर देखकर नहीं पहचान पाए तो एक संकेत आपको दे देते हैं। दरअसल ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक संत के बेटे हैं, इन्हें आप पहचानिए और 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर या QR कोड को स्कैन करके आप जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार उपहार। और अब बात करेंगे आज पांचवी और आठवीं के जारी किए गए बोर्ड पैटर्न के परीक्षा परिणामों की। बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया राज्य शिक्षा केंद्र सभागार से जारी हुए इस परिणाम में जो उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएं उनका प्रतिशत भी सामने आया है। दरअसल आठवीं की परीक्षा की यदि बात करें तो आठवीं की परीक्षा में शासकीय स्कूल्स के 86.22% छात्र छात्रा पास हुए हैं तो प्राइवेट स्कूल्स के 90.60% छात्र छात्रा पास हुए हैं। वहीं पांचवी कक्षा के सरकारी स्कूल्स के छात्र छात्राओं का जो परिणाम है वो 91.53% है और प्राइवेट स्कूल्स के छात्र छात्राओं का इसमें मत प्रतिशत 90.18% है। ग्वालियर के हजीरा में एक निर्माणाधीन मकान गिर गया। पड़ोसी के मकान पर दीवार गिरी और दीवार गिरने से एक बुजुर्ग भी घायल हो गया। दरअसल नगर निगम और पुलिस ने बुजुर्ग को बाहर निकाला और घायल हालत में बुजुर्ग को अस्पताल भेजा गया। हजीरा थाना क्षेत्र के राठौर चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ग्वालियर से सामने आया ये पूरा घटनाक्रम जिसमें एक बुजुर्ग को चोट आई है। अगली खबर खरगोन से, जहां पर एक बस और एक ट्रक की दुर्घटना हो गई। दरअसल मुंबई आगरा हाईवे पर यह दुर्घटना हुई और दुर्घटना में 20 यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। ड्राइवर सहित 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। धार के धमनोद का अस्पताल जहां पर मरीजों को भर्ती कराया गया घायलों को। आपको बता दें कि बस में सवार करीब 52 यात्री यात्रा कर रहे थे और खलटांका पुलिस चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो बस ही जो हंसा ट्रेवल से की है, हाँ? बॉम्बे से इंदौर जा रही थी। अच्छा, ओवरटेक करने में ट्रक को उन्होंने मारी। अच्छा, पुल से नीचे गिरते गिरते बची। कितने लोग घायल हुए? क्या कुछ? 9 लोग घायल हुए जिसमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है। ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर का पैर कट गया है। अच्छा, और एम्बुलेंस को फोन लगा है, एम्बुलेंस दो आई है, सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया। आपका नाम? और विदिशा में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बजरंगबली के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। दरअसल रंगई स्थित सिद्ध दादाजी हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर की समिति के द्वारा विशेष साज सज्जा यहां पर की गई। भक्तों ने करेंसी से मंदिर के गर्भगृह को सजाया है और बड़ी संख्या में हनुमान भक्त मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भिंड के प्रसिद्ध स्थल ददरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान जी का महारुद्राभिषेक होगा और इसके साथ ही फूल बंगला भी सजाया जाएगा। आज करीब 2 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु ददरौआ धाम पहुंचकर डॉक्टर हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। मान्यता यह है कि यहां दर्शन मात्र से सभी प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। महारुद्राभिषेक के साथ ही आज धाम में विशाल दंगल का भी आयोजन होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।